जाने जा, अरे बच के कहां जाएगी। गुंडा रैप, रैप रैप रैप, गुंडा रैप। I am bad and I am mad. I sound a bad mad. जहां भी हो कोई चोर नाका वही मेरा इलाका। बोरीवली कांदीवली गोरेगांव नायगांव साकिना कावली नाका शिवडी डोंगरी धरावी यानी के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरे ही नाम का धमाका। आई एम बैड बट नेवर सैड। आई एम बैड मैड। गुंडा रैप 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 गुंडा रैप। Thank you. Cheers. 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 तुम्हें मुन्ना के कत्ल की कीमत चुकानी होगी रॉबर्ट। ना मत बोलना, मुझे इस बात के काफी सबूत मिल चुके हैं कि इस काम में तुम्हारा हाथ भी था। क्या सोचते हो, मैं अपनी ही बहन को खुद विधवा बनाऊंगा? पागल, वैसे तो मैं सब जानता हूं, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो, हाँ या ना? हाँ। किससे मिलकर? असलम पठान या तिवारी? असलम पठान। ये रहा तुम्हारे दुबई का टिकट। तुम्हारा सामान बाहर गाड़ी में पड़ा है, वहां पहुंचकर तुम हमारे 5-स्टार होटल की देखभाल करोगे। अब जाओ, फ्लाइट का टाइम हो गया। थैंक यू रोहन, थैंक यू वेरी मच। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। महेश भाई, जल्दी करो। हेलो, क्या? हैंड? क्या हैंड? उस रोहन के हैंड ने हम सबके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि उसने अरे क्या उसने आगे भी बक, उसने रॉबर्ट का खून कर डाला। क्या क्या? सांप का बच्चा सांप नहीं निकलेगा तो क्या? आखिर एक ही खून है। हमें सांप का सर कुचलना होगा। शरद जोशी को फोन लगाओ और उससे कहो कि रोहन जहां कहीं भी हो फौरन उस पर हमला करो। अब अगर वो जिंदा रहा तो कभी भी हमें डस सकता है। तुम्हें रुकना,
ओके चलो। अरे भाभी आप, अरे बेटा, ये तो बड़े आराम से सो रहा है, आप इसे यहाँ क्यों ले आई? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि गोली चलने और शीशे टूटने की आवाज से इसकी नींद खुल जाए। लेकिन ये तो डर जाएगा। इसका डर निकालना तुम्हारा काम है, इसलिए कि तुम्हारे बाद यही इस कुर्सी पर बैठेगा। इसे खेलने के लिए कलम और किताबों की जगह पिस्तौल और राइफल दो, लोरियों की जगह गोलियों की आवाज सुनाओ, बाजार और चिड़ियाघर घुमाने की जगह हॉस्पिटल और मुर्दाघर दिखाओ, ताकि इसके दिल से डर निकल जाए और ये भी हमारी तरह लाशों को अपना मुकद्दर समझने लगे। तब जाकर ये तुम्हारा सही वारिस बन पाएगा। लो संभालो इसे, मैं तुम्हें तुम्हारा वारिस सौंपने आई हूं। भाभी ये मेरा वारिस जरूर है, लेकिन आप एक मां के फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम जानते हो रोहन, जब तुम पैदा हुए थे तब माँ जी बताती है कि एक साल तक उन्होंने तुम्हें अपना दूध पिलाया था, और जब तुम्हारी बीवी और मैं मां बनी थी तब हमारा दूध सूख गया था। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे मां के सामने तुम्हारी मौत नहीं थी, इसलिए उनका दूध छल छला उठा था। लेकिन हमें तो अपने औलाद की मौत नजर आती है रोहन, तो बोलो कैसे बहेगा दूध हमारी छाती से? क्या ये गलत है कि इस कुर्सी पर पहले अब मेरा बेटा बैठेगा तुम्हारे बाद और फिर तुम्हारा, और सबका अंजाम तो एक ही होगा। इसका नतीजा ये होगा रोहन कि अभी तो दूध सूखा है, लेकिन आने वाले नस्ल की बहुएं बांझ हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि इस घर में माए भी रहे, ममता भी रहे, तो इस घर के मर्दों को बाप बनना पड़ेगा रोहन। हम में से हर एक बाप भी था और है। ये जंग जो आज चल रही है ये किसी दादा या गुंडे ने नहीं, बल्कि एक बाप ने शुरू की थी, ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों को रोटी खिला सके। ये जंग उस लवारिस बच्चे मुन्ना ने शुरू की थी, जो फुटपाथ के पत्थरों पर रोटियां नहीं प्यार के टुकड़े तलाश करता था। पर अब ये जंग मैं लड़ूंगा, और अगर मैं आप सबको लेकर कहीं भाग भी जाऊं